दुश्मनों से देश की रक्षा करने वाली हमारी सेना किन हथियारों का उपयोग करती है, हमारी सेना, हमारी सुरक्षा करने वाले ये जवान कैसे इन हथियारों का उपयोग करते हैं, ये देखने को मिला जबलपुर में। दरअसल आयुध निर्माण दिवस के मौके पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले असलाह की आम लोगों के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे लोगों को पता चल सके कि भारतीय सेनाएं किन हथियारों का उपयोग करती हैं। सेना के इन हथियारों की प्रदर्शनी देख लोग दंग रह गए। दरअसल जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में सेना के लिए लगभग 200 प्रकार के बम और हथियार का निर्माण किया जाता है। असलाहों की इस प्रदर्शनी में 105 ml लाइट फील्ड गन, 55 mm मोटार, 27 mm प्रहारी गन, 12 बोर पंप एक्शन गन, LL-17 एयरक्राफ्ट गन और L-17 एंटी एयरक्राफ्ट गनों के अलावा मुख्य रूप से आर्मी के लिए हाल ही में बनाए गए लेटेस्ट बम को प्रदर्शित किया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में लगाई गई इस प्रदर्शनी को देखने बड़ी तादाद में लोग कोरोना संक्रमण के बीच पूरी एहतियात के साथ पहुंचे, जिन्हें सेना के इस साजो सामान और असलाह ने खासा रोमांचित किया और भारतीय सेनाएं पूरे विश्व में वाकई सबसे शक्तिशाली हैं। बनती हैं वो हमें देखने का मौका मिला। हम मेरे पापा भी फैक्ट्री में काम करते हैं तो मुझे पता चला कि वो कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमारे देश के लिए। वो जाते तो रोज़ हैं पर उसका महत्व क्या है ये आज ये रियलाइज़ करने में बहुत हेल्प हुई इस एग्जीबिशन के। सब कुछ हर तरह की जानकारी मिली, कहाँ कैसा क्या फैक्ट्री में हो रहा है, क्या बन रहा है, मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और शुरू से अभी तक का पूरा सब पता चला मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के प्रोडक्ट्स की एक प्रदर्शनी लगाई है जो सीनियर स्टाफ क्लब में लगी है, और उस प्रदर्शनी में जो प्रोडक्ट हम यहाँ बनाते हैं वो सब दिखाए गए हैं। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो आम जनता नहीं जानती, हर कोई नहीं जानता क्योंकि उनके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, लेकिन आम जनता को ये अवश्य जानना चाहिए कि यहाँ क्या बन रहा है, ताकि वे अपने आप को इस देश का नागरिक होने के नाते और वो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। इसलिए उनको ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, उसी उद्देश्य से प्रदर्शनी लगी है। वो अपने आप को इस चीज़ को फील करेंगे कि हमारे देश में इतनी उन्नत चीज़ें बन रही हैं, इतने बड़े बड़े तरीके के एम्युनिशन बन रहे हैं, तो उसके लिए हमने आम जनता के लिए ही ये एक प्रदर्शनी आज लगाई। आज दोपहर के 11 बजे से प्रारंभ हुई और ये कल शाम को 5 बजे तक रहेगी। शाम पूरे दिन भर आज रहेगी, कल पूरे दिन भर रहेगी। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।